नमस्कार विद्यार्थियों, प्रिय विद्यार्थियों, जिस प्रकार से आपको पहले भी अवगत करवा चुके हैं टेक्स्ट के माध्यम से, इसके अलावा वीडियो के माध्यम से, देखिए आपको आपके लिए बहुत अच्छी खबर है कि जो हमारे कक्षा 12 के जो विद्यार्थी हैं, जो वर्तमान में कक्षा 12 में अध्ययनरत कर रहे हैं, इसके अलावा जो कक्षा 12 उत्तीर्ण कर चुके हैं जो विद्यार्थी हैं, वो अपना पीटीटी के लिए आवेदन कर सकते हैं। ये पीटीटी के जो आवेदन हैं साथियों, जो बीए और प्लस बीएड के लिए आवेदन होता है, बीए और बीएड प्लस बीएड के लिए आवेदन होता है, और ये 4 वर्षीय पाठ्यक्रम के लिए आवेदन है, 4 वर्षीय पाठ्यक्रम के आवेदन है, यानी आपको 4 वर्ष के अंदर एक बीए की डिग्री मिलेगी और साथ में बीएड की डिग्री मिलेगी। यदि आप अलग अलग करते हैं इन दोनों को, तो आपको 5 साल पूरे लगते हैं। इसलिए ये आपको बहुत सुविधा है कि जो भी विद्यार्थी अभी वर्तमान में कक्षा 12 में अध्ययनरत है, कक्षा 12 के अंदर अध्ययनरत है, या कक्षा 12 उत्तीर्ण कर चुका है जो विद्यार्थी, वो इसके लिए आवेदन कर सकता है। और सरकार ने, देखिए, आपकी ध्यान को देखते हुए इसकी अंतिम तिथि को एक बार पुनः बढ़ा दिया गया है, और ये आपके लिए अंतिम तिथि होगी, इसके बाद तिथि को नहीं बढ़ाया जाएगा। 31 मार्च हमारी अंतिम तिथि कर दी गई है साथियों, ठीक है ना साथियों। यहाँ पर देखिए आप पूरी की पूरी आपकी जो पीटीटी की जो मेन साइट है, हमारी बात करते हैं, इस पर बात करें तो ये जो आपकी मेन साइट है, इस पर साफ साफ स्पष्ट रूप से यहाँ पर स्क्रॉल हो रहा है, और साफ स्पष्ट रूप से यहाँ पर स्क्रॉल हो रहा है। इसके साथ साथ यहाँ पर भी देख सकते हैं कि यहाँ पर देखिए 31 मार्च हो रखी है, ठीक है। तो एक तो हमारे जो भी साथी हैं, जो भी जो 12वीं हैं, तो वो क्या कर सकते हैं, बीए बीएड के लिए आवेदन कर सकते हैं, बीएससी बीएड के लिए आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो साथी बीए कर चुके हैं, यानी कंप्लीट बीए कर चुके हैं, या बीए कर रहे हैं, फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं, वो 2 वर्षीय बीएड के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। उसकी भी अंतिम तिथि हमारी देखिए 31 मार्च 2021 रखी गई है, ये आपके लिए अंतिम अवसर होगा। तो यहां पर आप देखिए दोनों तिथियां आपके सामने है साथियों, कि एक तो 4 वर्षीय बीएड पाठ्यक्रम और इधर है हमारा 2 वर्षीय बीएड पाठ्यक्रम, ये आपके सामने है। जो भी इसके लिए एलिजिबल है, तो आपको जो विद्यार्थी जैसे साइंस स्ट्रीम से है, तो वो बीएससी बीएड के लिए आवेदन कर सकता है, और जो आर्ट्स का विद्यार्थी है, वो बीए बीएड के लिए आवेदन कर सकता है। तो जैसे यहां पर आप क्लिक करेंगे, तो इसके लिए आपको मेन क्या है कि सबसे पहले आपको डॉक्यूमेंट क्या चाहिए। डॉक्यूमेंट मैं बता देता हूँ साथियों, आपको चाहिए मेन आपको 10वीं की अंकतालिका चाहिए, इसके अलावा आपको 11वीं की अंकतालिका चाहिए, एक आपके पास फोटो होनी चाहिए, और एक आपके हस्ताक्षर होने चाहिए, और एक आधार कार्ड होना चाहिए। बस इतनी सी आवश्यकता है, बाकी कुछ फॉर्मेलिटीज नहीं है। इसके अलावा जो फीस रखी गई है, वो 500 रुपये फीस रखी गई है। कितनी रखी गई है, 500 रुपये आपको आवेदन की फीस रखी गई है, ठीक है साथियों। ये अंतिम अवसर है, इसके बाद आपको अवसर नहीं प्राप्त होगा। अब आपको क्या करना है कि आप कैसे आवेदन करें, देखिए आप आवेदन स्वयं भी कर सकते हैं अपने घर पर, यदि आपके पास लैपटॉप हो, कंप्यूटर हो, आप खुद आवेदन कर सकते हैं, या अपने पड़ोसी के, अपने दोस्त के पास भी यदि कंप्यूटर का सिस्टम हो, तो वहां पर भी कर सकते हैं। यदि ऐसा नहीं है, तो आपके पास में ही यदि ई मित्र सेंटर होगा, कहीं आपके आसपास ई मित्र सेंटर होगा, तो वहां पर जाकर आप क्या कर सकते हैं, इसको आवेदन कर सकते हैं, ठीक है साथियों। और ये देखिए आप यहां पर जैसे 4 वर्ष के लिए जो कक्षा 12 के विद्यार्थी, जैसे यहां पर क्लिक करेंगे, तो यहां पर आपके सामने ये फॉर्मेट ओपन हो जाएगा, इस तरह का फॉर्मेट ओपन हो जाएगा। यहां पर आपको क्या करना है, सबसे पहले यहां देखिए ये लिखा हुआ है फिल द फॉर्म, तो यहां पर आपको जो फिल द फॉर्म है, यहां पर क्लिक करना है, ठीक है साथियों। साफ साफ लिखा हुआ है लास्ट डेट 31 मार्च है, ठीक है, साफ साफ स्पष्ट रूप से है। तो साथियों ध्यान रखना, साइट आपको विशेष रूप से जो साइट है, वो यही साइट है, इस पर ही विशेष रूप से आपको आवेदन करना है, कोई दूसरी साइट पर नहीं करना है। जो स्पष्ट रूप से यहाँ पर लिखा हुआ है राजकीय डूंगर कॉल महाविद्यालय बीकानेर, इसी पर आवेदन करना है, ठीक है। संक्षिप्त में जानकारी दे रहा हूँ साथियों क्या करना है। इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर फिल द एग्जामिनेशन एप्लीकेशन फॉर्म, इसके अंदर आपको क्या करना है, 3-4 डिटेल क्या भरनी है, सबसे पहले अपना नाम भरना है, उसके बाद अपना पापा का नाम भरना है, उसके बाद आपकी डेट ऑफ बर्थ भरनी है। डेट ऑफ भरने के बाद आपको पेमेंट ऑप्शन कैसे करना है, जैसे आपका पेमेंट क्या करना है, जैसे कैसे आप पेमेंट करोगे, ऑनलाइन पेमेंट करोगे, कौन सी बैंक से, पहले कोई भी बैंक से गेटवे इस्तेमाल कर सकते हैं, आपके पापा का मोबाइल, या आप जैसे आपके पास डेबिट कार्ड है तो आप डेबिट कार्ड का प्रयोग कर सकते हैं। इसके बाद आपको यहां पर नो करना है, यदि आप पॉलिटेक्निक का विद्यार्थी हैं, यदि आप कक्षा 12 के विद्यार्थी हैं, जैसे आप
आर्ट्स साइंस और कॉमर्स किस तरह बिलोंग करते हैं, जैसे आर्ट्स से बिलोंग किया तो आपने आर्ट्स को यस कर दिया, ठीक है। उसके आपने आप बीए बीएड करना चाहते हो तो यहाँ बीए बीएड, और जैसे बीए बीएड करेंगे तो आपके देखिए यहाँ पर टोटल फीस 500 आ चुकी है, या आप आर्ट्स के स्टूडेंट हैं, मान लीजिए आपका नाम एक्स है, आपके पापा का नाम वाई है, और आपकी डेट ऑफ बर्थ 1 जनवरी 1999 है, ठीक है साथियों। तो इस प्रकार से जो भी आपके आवेदन है वो फिल कर दीजिए, नेक्स्ट बटन पर क्लिक कर दीजिए, इस प्रकार से आपका पेमेंट हो जाएगा, पहला रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। इस प्रकार से आप बहुत ही सिंपल तरीके से आप घर पर बैठकर भी आवेदन कर सकते हैं, आपके जो भी साथी थोड़ी बहुत जानकारी रखते हैं तो आप कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, और इसी चैनल पर आपको इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना साथियों, मैं हम लेकर आ रहे हैं इस चैनल पर आपके लिए बीएड प्लस बीए बीएड एग्ज़ाम होगा आपका। अभी इसका एग्ज़ाम की जो डेट डिसाइड कर रखी है वो मई के अंदर है, लेकिन हो सकता है एग्ज़ाम जो भी एग्ज़ाम की अपडेट आती रहेगी वो आपको बताती जाएंगे, और इसके अंदर कैसे सवाल आएंगे इन सवालों पर हम पूरे के पूरे हमारी एक प्रश्नोत्तरी प्रोग्राम चलाया जा रहा है जल्दी ही। आप उसको जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को जरूर प्रेस करना जिससे आने वाला हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके, अपने साथियों को भी शेयर करना और ये वीडियो अच्छा लगा तो। और आपके लिए बहुत ही निःशुल्क रूप से सारी जानकारी देने के लिए हम लेकर आ रहे हैं, पूर्ण रूप से इसमें क्या आएगा, कैसे तैयारी करनी है, संपूर्ण आपको जानकारी दी जाएगी। इसी के साथ जय हिंद, जय जय भारत।